लास्ट टाइम हम यही एग्जाम्पल कर रहे थे, एग्जाम्पल 12.9। यस मैम, निकालिए सभी ने बुक। अब कुछ यस स्टूडेंट्स मैम। जो हैं आज देख रही हैं, आदित्य 3135, काफी टाइम बाद आपने क्लास लगाई। तुषार नाग, यू आल्सो पीछे जितना भी पढ़ा है वो सारा स्किप हो गया। ओके, सो लास्ट टाइम हम ये एग्जांपल कर रहे थे, ठीक है। आप सिर्फ अपने सर्किट को देखेंगे, दैट इज गिवन पेज नंबर 215, एग्जांपल 12.9। ओके, सो इन दिस एग्जांपल यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट। फर्स्टली आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, इन बी पार्ट टोटल करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, ठीक है। आज हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल भी मैंने यही लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर आप सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें सबसे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। We have to find the total resistance. कैमरा बंद मत करिए, कैमरा ऑन रखेंगे सभी। समर, त्रिजल, आदित्य, तिशार नाग, अभिषेक राणा, युविका, आदित्य। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने से पहले हमें अपना सर्किट ये देखना पड़ता है कि वो पैरेलल है कि सीरीज में है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं आर वन एंड आर टू, सभी देख रहे हैं बुक में? यस मैम, यस मैम। तो क्लियरली यू कैन सी आर वन आर टू, ये दोनों जो हैं, दे आर इन सीरीज ऑफ पैरेलल। पैरेलल में है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि आर वन आर टू दो अलग वायर्स में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा हो तो उसे हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे R1 R2 हम देख सकते हैं कि ये पैरेलल है। सिमिलरली R3 R4 R5 ये भी क्या है, पैरेलल है, ये कॉम्बिनेशन भी क्या है, पैरेलल है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम R1 और R2 की रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहाँ से निकालेंगे, R1 R2 से, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सा अपना कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, अपना जो रिजल्ट था दैट इज पैरेलल, पैरेलल रिजल्ट यहाँ पे यूज करेंगे। सिमरन, यस मैम, सभी को बताइए कि जब भी जो कनेक्शन है पैरेलल में अगर है, किस तरह से आप टोटल रेजिस्टेंस का बाय द फॉर्मूला 1 ओवर RP इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। वो तो बेटा तीन अगर हमें दिए हो ना, तब तो हम आर थ्री। यस मैम, यहाँ पे ऑलरेडी आज कुछ एग्जांपल लेके रखे हैं, इनका हम बाद में करेंगे, पहले हम इस पोजीशन को देखते हैं। सो अगर आपका जो कनेक्शन है दैट इज इन पैरेलल, सो फॉर्मूला इज 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, ठीक है। जैसे कि आप फिगर 12.12 में देख रहे हैं, R1 R2 दोनों पैरेलल कनेक्टेड है, तो यहां से मुझे सबसे पहले R1 और R2 की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगी, ठीक है। अगर आप एग्जांपल देख रहे हैं तो सॉल्यूशन देखिए, दोनों को क्या किया हुआ है, उनके रेसिप्रोकल को ऐड कर दिया है। R1 आपको दिया हुआ है कितना, 10, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज डाली 10 ओम, प्लस R2 आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या है, 40, ठीक है। यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे आपके पास, आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 ओवर 40, ठीक है। तो यहां से RP, हमें RP निकालना है, RP का रेसिप्रोकल ले लिया, RP को ऊपर ले गया, अगर RP ऊपर आ गया तो ऑब्वियसली ये भी, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये दिस इज 8 1 ओवर 8, तो यहां से RP की वैल्यू कितनी आ गई, 8 ओम, ठीक है। ओके,
सिंपल था, हमने क्या किया आर वन आर टू की वैल्यू जो थी उनके रेसिप्रोकल को ऐड किया, रेसिप्रोकल को ऐड करने के बाद क्या आ गया 1/8 आ गया, किसकी वैल्यू आ गई 1/RP इज इक्वल टू 1/8, 1/RP, आरपी यहाँ पे इसलिए लिखा जा रहा है बिकॉज कनेक्शन जो है वो पैरेलल में है तो पी लिखा इसलिए, तो यहाँ पे हमारे पास आया था 1/8, पर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए इसकी, तो हम इसको ऊपर ले गए तो यहाँ ये भी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आरपी की वैल्यू जो आएगी डेट इज 8 ओम, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस के यूनिट क्या है ओम है, ठीक है। सिमिलरली R3, R4 और R5 अगर आप अपना सर्किट डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ पे इन तीनों की भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम इसी फॉर्मूले को यूज करके हम फाइंड करेंगे बिकॉज तीनों जो है वो क्या है पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमने क्या किया तीनों को हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए आपको R3 की वैल्यू दी है 30, R4 इज 20 और ये 60, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, दिस इज सेकेंड लास्ट टॉपिक, ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक और टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट, उसके बाद चैप्टर खत्म है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सर्किट जो भी है इनके ऑलरेडी हमने रिजल्ट पहले किए हुए हैं, ठीक है। अब आ रहे हैं, अब आपको एकदम से क्लियर नहीं होगा, बट फिर भी एक बार सुन लीजिए कि जब भी आपका सर्किट डायग्राम आपका पैरेलल कनेक्टेड है तो अगर हमने वहां पे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो हम उनके रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं, जैसे कि R3, R4 और R5, ठीक है, आपको क्वेश्चन में इनकी वैल्यू दी हुई है तो इन तीनों की वैल्यू के रेसिप्रोकल को मैंने ऐड किया है, जब हम इन्हें ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 6/60, एलसीएम लेके हम करेंगे तो यहां से हमने इसको कैंसिल किया, ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 1/10, किसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे 2 RP आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, है ना, ऊपर भी आरपी लिखा था अगर यहाँ पे भी आरपी लिखेंगे तो वो दोनों सेम हो जाएंगे, तो अगर आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देख रहे हैं उन्होंने आर डैश किसको शो किया है ऊपर वाले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए और R" किसके लिए शो किया जो नीचे है, तो यहां से हम R" निकाल लेते हैं, हमने क्या किया इसको ऊपर ले गए तो यहाँ से 10 भी ऊपर आपका चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया 10 ओम आ गया, ठीक है। इससे पहले हमने R- निकाला था उसकी वैल्यू आपके पास थी 8 ओम, ओके। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो पैरेलल में दिए हैं उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, तो हमने ये कर लिया यहां तक, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे अब आपका सर्किट डायग्राम इस तरह से है, ठीक है, हमने क्या किया था हमने दोनों ऊपर और जो नीचे इसकी वैल्यू हमने निकाली ये आगे 8 ओम, ठीक है, नीचे हमने जो वैल्यू निकाली डेट इज 10 ओम, ठीक है। हमने उन अगर आप नीचे अपना सर्किट देख रहे हैं वहां पे 3 रेजिस्टर लगे हुए हैं तो हमने उन तीनों की एक वैल्यू निकाल के रख ली टोटल वैल्यू डेट इज 10 ओम। सिमिलरली ऊपर जो R1 और R2 की जो इक्विवेलेंट वैल्यू थी वो 8 ओम आ गई, ठीक है। अभी हमने टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है तो अब देखिए अब आपका सर्किट कौन सा है, दिस इज सीरीज और पैरेलल, आप बताइए सीरीज, दिस इज सीरीज है ना, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं ये एक ही लाइन है एक ही वायर में है, ठीक है ना, अब ये एक ही वायर में कंटिन्यूस एंड टू एंड अटैच्ड है, सो दिस इज सीरीज कनेक्शन। अब ये सीरीज कनेक्शन बन गया है ना, यहां तक क्लियर है।
हमने सबसे पहले उसको पैरेलल में सॉल्व किया, पैरेलल में सॉल्व करके हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारी 8 ओम यहां आ गई और 10 ओम यहां आ गई, ओके। बट नाउ अब आप सर्किट अपना ध्यान से देखें, सो नाउ दिस इज सीरीज, ये सीरीज में है, ये एक ही वायर आपकी जा रही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने सीरीज वाला फॉर्मूला लगाया, सीरीज वाले में तो हमारा सिंपल है कि दोनों को सिंपली हम ऐड कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आर जो है दैट इज 18 ओम, ठीक है, क्लियर। सो ए पार्ट यहाँ पे सोल्व हो गया, हमने दोनों को ऐड कर लिया, बिकॉज जब सीरीज में कनेक्टेड होता है तो सिंपली ऐड कर लेते हैं, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। अगर आप बी पार्ट देख रहे हैं तो टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, अब मुझे यहाँ पे टोटल करंट निकालना है कि सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो भाई बहुत सिंपल है, कौन सा लॉ यूज करेंगे, दिव्यांशी मुझे बताएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर 88। R is equals to R dash plus R. बेटा वो तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला था, बट अब हमें बी पार्ट में टोटल करंट निकालना है, सो कौन सा लो यहाँ पे यूज करेंगे, एक रिजल्ट है। V over R. वेरी गुड, सो दिस इज दिस इसे क्या कहते हैं, कौन सा लो है ये, पल्वी 116, जो अभी दिव्यांशी जो रिजल्ट बनाया बताया, कौन सा लॉ है ये, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, दैट इज वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज द करंट एंड आर इज द रेजिस्टेंस, सो हियर यू हैव टू फाइंड द करंट, करंट निकालना बी पार्ट में, तो यहां से आई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, वी ओवर आर, ठीक है। अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, दैट इज 12 वोल्ट, है ना। तो मैंने V की जगह क्या लिख दिया, 12, और रेजिस्टेंस हमने अभी निकाला था, ठीक है, अभी हमने निकाला, तो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू डाल दी 18। तो यहाँ पे आप जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपका डेसिमल में आंसर आएगा 0.67, एज दिस इज द करंट, हम करंट निकाल रहे हैं, यूनिट क्या लगेंगे, एम्पियर, ठीक है, यूनिट आपने जरूर लगाने, करंट निकाल रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो एम्पियर। सो दैट मींस कि अगर आपके सर्किट में आपको रेजिस्टेंस गिवन है, आपको वोल्टेज गिवन है, आपने करंट निकालना है, या आपको करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज निकालनी है, आप कौन सा लॉ यूज करेंगे, ओम्स लॉ यूज करेंगे, ठीक है ना। इसी को हम आगे पीछे करके या ट्रांसपोज करके किसी की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे जो अब मैं फर्स्ट एग्जांपल जो यहाँ पे ले रही हूँ उसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व मैं नहीं करूंगी अब, ठीक है, अब आप करेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, यस मैम, यस मैम। देखिए क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल है, रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, क्या निकालना है, आई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, डेट मींस क्षितिज ठाकुर 2765, क्या फाइंड करना हमें यहाँ पे, बताइए आई क्या है, व्हाट इज आई, बोलिए, वेरी गुड, शीतल, इन्हें आज पहली बार ये आ रहे हैं यहाँ पे, सो व्हाट इज आई, अस्तिका 1719, अभी बल्कि अभी क्वेश्चन अभी एग्जांपल में किया था, क्लास में ध्यान से बैठो, एक्टिव होके बैठो, जो भी बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनो, अभी जो एग्जांपल किया था बी पार्ट में क्या निकाल रहे थे, करंट निकाल रहे थे, तो आई यहाँ पे क्या है, करंट ही है, सो दैट मींस इन दिस सर्किट यू हैव टू फाइंड द करंट, करंट निकालना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कईयों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, तो मुझे चैट में आंसर सेंड करिए, रेजिस्टेंस इज गिवन, पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन, यू कैन इजिली फाइंड द करंट,
जो अभी मैंने रिजल्ट यूज किया था ओम्स लॉ वही यूज करेंगे, बहुत सिंपल है। ये तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, देख के ही आप आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड हर्ष एंड दिव्यांशी शर्मा। हर्ष आपने यूनिट नहीं लगाया। सिमरन एक बार चेक करिए। वेरी गुड दिव्यांशी। बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने डाला ये। वेरी गुड मुस्कान कर्नल, नाइस। नो अलवी, जीरो एम्पियर कैसे हो गया? राइट सिमरन, बेटा आप यहाँ पे ओम्स लॉ यूज करेंगे, डेट इज वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है? ये आपका ओम्स लॉ है। आपको क्या फाइंड करना है? आई फाइंड करना है, तो आई को यहाँ रखिए, आर को दूसरी तरफ ले जाइए। आर जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब वैल्यूज डाल दीजिए। वी जो है दिस इज वी पोटेंशियल डिफरेंस, आर आपको यहाँ पे दिया है, डिवाइड कर लीजिए, करंट आपके पास आ जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल। Now it's right, Palvi. बेटा वोल्टेज आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको 5 ओम दी हुई है। जब आप कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सो करंट इज 1 एम्पियर। क्या था इसमें? चलिए सेकंड देखिए। क्वेश्चन सर्किट डायग्राम आपको दिया है, मुझे आपने ये बताना है कि यहां एमीटर में क्या रीडिंग आएगी। व्हाट इज द रीडिंग ऑन द एमीटर? क्वेश्चन जो है सेम है, वर्डिंग मैंने चेंज कर दी है। एमीटर क्या है? व्हाट इज एमीटर? मेजरिंग डिवाइस ऑफ करंट। मेजरिंग डिवाइस ऑफ द करंट, जो करंट को मेजर करता है। मैंने आपसे ये बोला कि एमीटर के ऊपर क्या रीडिंग आएगी, दैट मींस आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? करंट फाइंड करना है, ठीक है ना? एमीटर क्या आपको मेजर करके क्या बताता है? करंट बताता है। तो यहाँ पे जो रीडिंग होगी वो क्या होगी? करंट की होगी, कितना करंट फ्लो कर रहा है। सो दैट मींस हियर यू हैव टू फाइंड द करंट। पर करंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला तो आपने यही यूज किया, ओम्स लॉ यूज किया, दैट इज वी ओवर आर। वोल्टेज इज गिवन, बट रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यहाँ पे दी हुई है दैट इज इन सीरीज, दो रेजिस्टेंस दी है ना, तो इसको पहले सॉल्व करिए, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, फिर आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करिए एंड देन यू विल फाइंड द करंट। दिस इज सीरीज कनेक्शन। बेटा ये सीरीज कनेक्शन है, देखिए एंड टू एंड आपके रेजिस्टर्स जो है वो कनेक्टेड है, एक साथ कनेक्टेड है, एक ही वायर है उसमें कनेक्टेड हो तो उसे हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। और सीरीज कनेक्शन हो तो रेजिस्टेंस को हम सिंपली एड कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाती है। तो इन दोनों को एड कर लीजिए, यू विल गेट द टोटल रेजिस्टेंस। मुझे अभी तक किसी का भी राइट आंसर नहीं मिला।
मुझे करंट फाइंड करके बताइए बेटा, करंट बताइए कि कितना करंट यहाँ से फ्लो करेगा। नो सिमरन, आंसर सभी के गलत हैं। जितनों ने भी मुझे आंसर भेजे हैं मुझे किसी का भी सही नहीं लगा। नो, नो, 0.1 एम्पीयर किस तरह से? नो, स्टिल रॉन्ग। सबसे पहले बताइए कि रेजिस्टेंस क्या आएगी, टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगी यहाँ पे, आर क्या आएगा? ये क्या लिखा हुआ है मैंने, ये क्या लिखा है, व्हाट इज दिस? 2.5। और ये क्या है? ये पॉइंट लगा, मेरे ख्याल से आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रही होगी। This is point, 2.5 ohm है, ठीक है? अब करिए, आप 25 plus 25 कर रहे हैं, नहीं, this is 2.5, अब सही करेंगे आप, ठीक है? अपनी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करिए, बिकॉज ये तो बहुत सिंपल था। दैट इज सिंपली वन दिव्यांशी, 1.0 इज वन। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी, इन दोनों को जब हमने ऐड, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गई, 5 ओम। ओके, अब हमने यहाँ पे ओम्स लॉ यूज किया, डेट इज, अब आंसर सही है सिमरन, ओम्स लॉ यूज किया, डेट इज आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। पोटेंशियल डिफरेंस आपको सर्किट में दिया हुआ, डेट इज 5, रेजिस्टेंस पे आपकी 5 ही आई है, दोनों को अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। सो करंट इज 1 एम्पियर, ठीक है? मेरे ख्याल से आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रही होगी, दिस इज 2.5, ठीक है, क्लियर है? So that means कि करंट निकालने से पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, ठीक है ना? तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा योर सर्किट इज इन सीरीज और इन पैरेलल। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये सीरीज में है, आपने दोनों को सिंपली ऐड किया। जब पैरेलल में होता है तो रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं, जब सीरीज में होता है तो सिंपली ऐड करते हैं। तो दोनों को सिंपली ऐड करके हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई 5 ओम, ठीक है? हमने अपना ओम्स लॉ यूज किया, I is equal to V over R. V is the potential difference, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, 5. रेजिस्टेंस आपने अभी निकाला, दोनों को कैंसिल किया, आपके पास क्या आ गया, 1 एम्पियर। एम्पियर जो है वो क्या है, SI यूनिट है किसके, करंट की। जब भी आप करंट मेजर करते हैं या आप लिखते हैं करंट को, तो उसके साथ आप उसके यूनिट लगाएंगे, डेट इज A, कैपिटल A, एम्पियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। Yes, ma'am. So this is the last question. In this question, firstly, you have to find the total resistance. Total resistance निकालिए, उसके बाद total current निकालेगी.
टोटल रेजिस्टेंस बेटा देखिए किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर इनको नाम दे दिया जाए, दिस इज आर वन एंड दिस इज आर टू, तो आर वन और आर टू जो आपस में कनेक्टेड है दैट इज दिस सीरीज कनेक्शन, और आर थ्री और आर फोर ये भी एक सीरीज है। सबसे पहले आप मुझे टोटल रेजिस्टेंस बताएंगे, देन बी पार्ट सॉल्व करेंगे। हर्ष 3114 बेटा कंफ्यूजन है कोई? देखिए यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले आप आर वन और आर टू को करिए। आप आर वन और आर टू की जगह, इन दोनों रजिस्टर की जगह अगर एक रजिस्टर लगाते हैं यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपने देखा ये आर वन और आर टू यहाँ पे क्या है, सीरीज में है, ठीक है। तो आपने इन दोनों को ऐड कर लिया, क्योंकि सीरीज के लिए आप क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 ओम आ जाएगा, ठीक है। रुकिए, अगर इन दोनों रजिस्टर की बजाय हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं एक रजिस्टर यहां पे लगाती हूं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 15 ओम यही होगी, क्योंकि दोनों सीरीज में थे तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, क्या आ गया, 15 ओम आ गया। सिमिलरली यहां पे भी हम ऐसे करेंगे कि दोनों रजिस्टर की बजाय अगर मैं यहाँ पे एक रजिस्टर लगाती हूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 15 ओम ही होगी। एज यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि एक जो था डेट इज 10 ओम और एक था 5 ओम, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, ये मैं आपको समझाने के लिए सर्किट को चेंज कर रही हूँ, बट आपने सर्किट ऐसे चेंज नहीं करना, वो तो कैलकुलेशन में होगा, वो कैलकुलेशन आप करेंगे। वैसे ये आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से बना, ठीक है। मैंने क्या किया, उन दोनों रजिस्टर की बजाय मैंने एक रजिस्टर लगा दिया, अब यहाँ पे भी एक लग गया, 15 ओम उसकी वैल्यू होगी, बिकॉज दोनों जो यहाँ पे थे उनके एक की 5 ओम थी, एक की 10 ओम थी, तो दोनों का ऐड कर लिया, 15 ओम आ गया। अब अगर आप देख रहे हैं ये दोनों रेजिस्टर जो हैं ये क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है। अब ये पैरेलल हो गए, दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब पैरेलल करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों के रेसिप्रोकल को ऐड किया, 1/15 प्लस 1/15, ठीक है। जब आप इनको ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 2/15, 2/15 किसकी वैल्यू आएगी, जो आपका रेजिस्टेंस है यहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ से आरपी की वैल्यू निकालनी है, तो आरपी को मैं ऊपर ले गई और मैंने इसका भी रेसिप्रोकल ले लिया, डेट इज 15/2, ठीक है ना। इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, इसको भी अगर आप इसको ऊपर लेके जा रहे हैं
तो यहाँ इसको भी ऊपर लेके गए और यहाँ इसको भी नीचे आ गए, मतलब इसका भी रेसिप्रोकल आपको लेना पड़ेगा। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 7.5 ओम आपकी क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अब समझ में आ गया, क्लियर है? उस सर्किट को सॉल्व कर, यहाँ पे पहले दो लगे थे, ठीक है, आपने अपना सर्किट चेंज नहीं करना है जिस तरह से मैंने यहाँ पे, ये आपको समझाने के लिए किया है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे दो सीरीज में कनेक्टेड है तो उन दोनों सीरीज को ऐड करिए, ठीक है। आपने यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू निकाली, सिमिलरली इन दोनों की भी वैल्यू निकाली, अब दो पैरेलल में है तो पैरेलल की वैल्यू इस तरह से निकाली और आपके पास क्या आ गई, टोटल रेजिस्टेंस आ गई, दिस इज 7.5 ओम। ठीक है, अब आप मुझे टोटल करंट निकाल के बताएंगे, ये भी सिंपल है, यही स्टार्टिंग से ही हम यही कर रहे हैं, करंट निकाल रहे हैं। रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है, आपको क्वेश्चन में सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है, आप इजीली आई निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज द रेजिस्टेंस, तो ये आपका आ जाएगा अराउंड 1.6, ठीक है, 1.6 एम्पीयर। ठीक है, क्लियर है? जो भी आज जितने भी एग्जांपल किए सभी को समझ में आ गए? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओम्स लॉ यूज करेंगे और ओम्स लॉ यूज करंट निकालने के लिए आपके पास टोटल रेजिस्टेंस होनी चाहिए पहले, ठीक है ना। सपोज करिए यहाँ पे मैंने अगर ए पार्ट नहीं दिया होता, मैं आपको बी पार्ट देती डायरेक्टली कि फाइंड द करंट, तो करंट निकालने से पहले आपको इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए थी, तो उसके लिए तो ए पार्ट सॉल्व करना पड़ना था, ठीक है। तो पता चल गया किस तरह से पहले सीरीज में हमने किया, फिर उसको पैरेलल में किया, ठीक है, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन yeah. किसी डाउट या अभी भी कुछ है, कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट कल हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। बताइए आप क्लियर है कि नहीं है? आपको जो भी एक्सरसाइज में जितने भी नोट्स में क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको जो पब्लिश किए हैं, आप चेक करिए उनको, एक बार खुद पढ़ें, ठीक है ना। जितना आप खुद सॉल्व करेंगे आपको उतना क्लियर होगा, ओके। जितने भी एग्जाम्पल है बुक में उनको भी सॉल्व करें, ओके। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इसे हम स्टार्ट करेंगे कल, ओके okay?